सुप्रभात। आज आप सभी का स्वागत है। मैं इस अवसर के लिए रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप को बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आपके कलीसिया में बुलाया है बात करने के लिए, मैसेज देने के लिए। आज का जो मैसेज संदेश है वो सेकंड किंग्स अध्याय 5 आयत 1 से 15 तक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी विजेता को पढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने दूसरा राजा का 5वां अध्याय का 1 से लेकर 15 पद तक पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिरोमोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इसराइली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह दास किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इसराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार कर करो तो वह मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। थैंक यू विजेता। हम सभी विभिन्न दर्दनाक स्थितियों से गुजरते हैं और हमें मदद की ज़रूरत होती है। हम नमान को देखते हैं जो हताश और निराश था और उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने उसे चंगा किया और उसे जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। आइए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, द फिजिकल कंडीशन, जो शारीरिक स्थिति। नमान सबसे शक्तिशाली देशों में एक सैन्य नेता था। वे राजा आराम के सेना का सेनापति था। वे एक बहादुर सैनिक था, एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे कुष्ठ रोग था। हाँ, बाइबल में कोढ़ी वर्ड यूज़ किया हुआ है,
परंतु आज हम कोड़ी वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम कुछ ट्रोप का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कोड़ी थोड़ा सा इंक्लूसिव लैंग्वेज में नहीं आता है। यद्यपि नमान के बारे में हम आगे बात करते हुए, यद्यपि वे महान उपलब्धियों का व्यक्ति था और शक्ति का आनंद लेता था, परंतु ये सब गायब सा हो जाता था जब वो अपनी दर्पण शीशे में देखता था। क्यों? क्योंकि उसे कुष्ठ रोग था और कोई भी तथ्य इस सच्चाई को बदल नहीं सकती थी। कुष्ठ रोग उन दिनों सबसे अधिक भयभीत रोग था। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग प्रकोप माने जाते थे, उन्हें जोर जोर से रोने पे मजबूर किया जाता था, अशुद्ध अशुद्ध, और वो अकेले ही रहते थे। नमान को कुष्ठ रोग शायद अपने शुरुआत चरण में था, पर उसके कपड़े रोग को बहुत दिन तक ढक नहीं सकते थे। जबकि लोग उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते थे, परंतु कोई भी उसे छूने नहीं मांगता था। इस स्पर्श की कमी उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाती थी। नमान की तरह हम सभी स्पर्श की कामना करते हैं। स्पर्श का मतलब होता है अपनापन। क्या हम बिना छुए जी सकते हैं? क्या हम बिना किसी और को छू के जी सकते हैं? क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं? नमान को कल्पना करने की जरूरत नहीं थी, ये एक वास्तविक रूप से सच था। हम किस समस्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कहाँ छुआ जाना चाहिए? नमान की तरह हम अपनी समस्याओं को छुपाने में कुशल हो गए हैं। हमें परमपिता की चंगाई के स्पर्श की आवश्यकता है। ये हम आयत 4-12 में देखते हैं। द प्रिस्क्रिप्टिव क्योर, नियमित इलाज। तो हम क्या करें? हम चिकित्सा के लिए कहाँ जाएं? एक शब्द में हमें कहना चाहिए कि हमें नीचे जाना चाहिए। आप ये सुन के एकदम घबरा गए होंगे कि हम नीचे जाने के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी को प्रोत्साहित करते कि वो ऊपर जाएं, पर ये बिल्कुल ही उसके विपरीत है। हम नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। नीचे जाना वो तरीका है जो हमें चंगाई के रास्ते पे ले जा सकता है। परमेश्वर के स्पर्श के लिए यही एक मार्ग है। हम नामान की यात्रा में बहुत भारी कंट्रास्ट देखते हैं। नामान की यात्रा उसकी अपनी पत्नी की एक बंदी नौकर के माध्यम से मार्गदर्शक होती है। नामान उच्च माना जाता है, एक निम्न स्थिति पैगंबर से अपने उपचार के बारे में सीखता है एलीशा। अमीर और बहादुर सिपाही नमन एक गंदी नदी जॉर्डन में ठीक हो जाता है। क्या हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये नीचे वाले मार्ग से क्या सीखते हैं? आयत 2-3 में लिखा है, हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे अहंकार एवं घमंड के बीच हमारे दुख और दर्द को पहचान सके। नमन की पत्नी की सेविका एक बंदी, इज़राइल से एक युवा लड़की, उसने नमन के घर में सेवा कर रही थी। वे नमन की शक्ति और उसकी स्थिति से कभी भयभीत नहीं हुई। उसने नमन का दर्द देखा, वे एक दर्द निवारक के बारे में जानती थी और नमन को उसके बारे में बताया कि वो कहाँ मिल सकता है। हमें अपने जीवन में विनम्र लोगों की आवश्यकता है जो हमें भीतर से देखकर परख सकते हैं, जो हमारे सामाजिक अतीत को देखते हैं और हमारे अकेलेपन, हमारे ज़रूरतों को देख सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमें जगह पर छुएं, हर जगह पर छुएं जहाँ हमें सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें इतना प्यार दें कि हमें चंगाई की ज़रूरत हो वो मिल जाए। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जो 4C का प्रदर्शन करते हों। सबसे पहला सी कंसर्न, यानी कि चिंता, हमारे बारे में चिंता करते हों। कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता, वो हमारे साथ दर्द और सुख और दुख में हमेशा साथ रहते हों। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता, हमारे संघर्षों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। और कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से हमारे साथ हर मार्ग पे चलते हों। आयत
चार और पांच में हम देखते हैं कि हमें अपने जीवन में एक ऐसे स्थान चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। इज़राइल एक विजित राष्ट्र नामन के लिए ये एक निराशाजनक देश था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नमन को इसी देश ने आश्रय प्रदान किया। इज़राइल का उल्लेख धर्म ग्रंथों में चर्च के रूप में मिलता है। चर्च एक सुरक्षित स्थान है जो एक बेपरवाह दुनिया में प्रेम पूर्वक स्पर्श देता है। इज़राइल नमन के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह बन गई थी। जब नमन ने इज़राइल में प्रवेश किया तो वह सही जगह पे गया था, लेकिन गलत व्यक्ति से उसने बात करी। वे पहले इज़राइल के राजा के पास गया, लेकिन राजा उसकी मदद नहीं करने चाहता था। वास्तव में राजा ने उसके आने की वजह को बिल्कुल ही गलत समझा और उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। तथ्य और सच की बात यह है कि बहुत से लोग रविवार को सही जगह जाते हैं, यानी कि चर्च, परंतु सही व्यक्ति परमेश्वर से बात करने से चूक जाते हैं। क्या हम परमेश्वर से बात करते हैं? एक वही है जो हमें ठीक करने चाहता है और हमारे संपूर्ण रूप में हमें देखने चाहता है। जब नमन एलीशा के घर गया और उसके दरवाजे पे पहुंचा, तो उसने अपने नौकर को भेजा बाहर। नमन नम्रतापूर्वक एलीशा के घर गया जो बहुत दूर था, जाने को तैयार था। परंतु जब एलीशा के नौकर ने इलाज का निर्देश दरवाजे पे दिया तो नमन को बहुत क्रोध आया। नमन ने गुस्से में आके चिकित्सा कराने के अवसर को लगभग अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एलीशा दरवाजे पर उसे स्वयं नहीं मिलने आया। अक्सर परमेश्वर उन लोगों के माध्यम से आशीर्वाद नहीं भेजते हैं जो हम चाहते हैं। परमेश्वर अपने उपचार को पूरा करने के लिए बहुत ही साधारण तरीके से कोई भी आम व्यक्ति को चयन करते हैं। आयत 10 में देखते हैं कि हम सभी को अपने जीवन के लिए नुस्खे की आवश्यकता है जो हमें चंगाई की ओर ले जाएगा। एलीशा का उपचार का नुस्खा बहुत ही विचित्र था। जॉर्डन में अपने आप को 7 बार धो लो और तुम्हारा मांस बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और तुम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे। जॉर्डन नदी एक दरार से होकर नीचे की ओर बहती है और इसका मुंह समुद्र ताल से लगभग 1300 फीट नीचे है। नमान को परमेश्वर की चंगाई के नुस्खे पर भरोसा नहीं था। उसको ये समझ में नहीं आया कि चंगाई नदी में नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में है। तीसरा जो पॉइंट हम देखते हैं, द प्रोस्ट्रेटिंग कंप्लायंस, विनम्र अनुपालन। हमें आज्ञाकारिता का दृष्टिकोण क्यों रखना चाहिए? एक पात्रस चैप्टर 5 अध्याय 5-6 में लिखा है, पात्रस उस प्रश्न का उत्तर देता है, और आप सभी एक दूसरे के प्रति विनम्रता से पेश आए, क्योंकि परमेश्वर अभिमान का विरोध करता है लेकिन विनम्रता का अनुग्रह देता है। इसलिए परमेश्वर की शक्तिशाली हाथ के नीचे अपने आप को आप बिल्कुल विनम्र रखें, ताकि वो आपको नियत समय हर मुश्किल से बाहर निकाल सके और आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करे और आपको चंगाई दे। जब हम खुद नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें उठा लेता है। 2 राजा अध्याय 5 आयत 14 में लिखा है, नामान अधिकार दिन आवाम विनम्र बन गया और परमेश्वर ने छू लिया और उसको चंगाई दी। यदि उसको कुष्ठ रोग ने उसके पहले जीवन को परिभाषित किया तो ये परमेश्वर ने उपचार था जिसने उसके बाद उसके जीवन को फिर से परिभाषित किया। परमेश्वर की कृपा के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वे एक बीमार आदमी थे और हो गए चंगे। एक अपवित्र आदमी से एक नेक इंसान बन गए। एक खोए हुए आदमी से बचे हुए आदमी बन गए। एक महान आदमी से लेकर एक भला आदमी बन गए और एक सेनापति से एक नौकर तक।
यहाँ एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया और हमेशा के लिए बदल गया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने लेप्रसी मिशन को ये मौका दिया कि हम आपके सामने आ सकें, और वो सेवा 137 साल वर्षों से दुनिया भर के कुछ रोगियों के लिए कर रहे हैं आपके साथ बांट सकें। हम इस बहुमूल्य समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने आपकी कलीसिया को अपनी दया से भरपूरी दी और आशीषों से भरा कि आप कलीसिया हमारी संस्था और कुष्ठ रोगियों की मदद करने के लिए आगे आ सके। आपके दान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की दया, आशीष और सहभाग्यता आपके चर्च के सभी सदस्यों और लेप्रसी मिशन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू।